कल वहां जाके क्या करना है? कल आज के नहीं बोल पाएंगे तो वहां वही कहेंगे। जैसे एक मौला आया पूरे हिंद, कभी जलसा नहीं होता था, वहां इश्तहार छाप दिया कि ये गोंगा मौलाना आ रहा है, गोंगा मौलाना। अब सब बोला या अल्लाह गोंगा कैसे तकरीर करेगा, रे चल ना सुनेंगे। यही कहते कहते 50 गांव का आदमी जमा हो गया, मजमा बैठ गया। अब गोंगा स्टेज पे खड़ा हो गया, उसके सामने उसके साथ में जो गोंगा कहेगा वो समझाएगा। गोंगा आया कहा सब बोला ये क्या है, वो कहा कि अल्लाह एक है। ये समझा रहा कि एक गोंगा बोला अल्लाह एक है, फिर लास्ट में कहा बोलिए क्या बल अल्लाह के सिर्फ मानने से नहीं होगा रसूलुल्लाह। लास्ट टाइम मामा का कहा ये क्या हुआ, कहा अल्लाह रसूल को नहीं मानेगा जहन्नम में। तो इस तरह भी जैसा होता है, इसलिए आप अल्लाह और रसूल के महफिल में आए हो थोड़ी देर बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जा। मेरी माँ बहने आप भी माँ बहने बैठी हैं, एक दो बात बता देते हैं। माँ बहने आप बड़ी अच्छी है, आपके कदम में जन्नत है, आपके चेहरे में बरकत है, आपके दुआ में गारंटी है। एक माँ अगर दुआ कर दे ना तो कसम खुदा की बेटे के हक में दुआ कबूल होती है। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूलल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कोड़ी कुछ नहीं। मेरे आका फरमाते माँ बाप है, कहा है, कहा घर जा, माँ बाप को देख, चेहरा देख, मोहब्बत कर, घर बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब मिल जाए। लेकिन आजकल के नौजवान जहाँ शादी किया और जहाँ बीवी घर में आई वो बीवी काहे रहेगी रे बाप, जादूगरनी है, पक्का जादूगरनी। जिस माँ के हाथ से बेटा खाता था शादी से पहले, लेकिन वो बीवी क्या जो कह के फूंक दी रे बाप, एक दिन फूंकती है 3 साल असर रहता है। आपके मथुरा में इस तरह बात नहीं है, मथुरा बहु बेटी सब दूध के धवल है, यहाँ ठीक ठाक है। ये सब बात मदन कटाल ऊपर, इधर का है उधर, यहाँ बहु बेटी दूध के धवल। ये लोग सोचते हो कि अल्लाह ही मौलाना के बोला लियो, हमने कितना चिकन कहल के बोला, लेकिन तो नहीं किए कि काहे का कहिए सुभान अल्लाह। अरे तू बेटी है तो रहमत है, अरे माँ है तो जन्नत है। तो मेरे ख्वाजा कहाँ है, मेरे ख्वाजा अजमेर कहाँ है, नेपाल में कहाँ है, राजस्थान अजमेर है, राजस्थान हिंदुस्तान में, और मेरे ख्वाजा आए इसी देश में भारत में। ख्वाजा के चौखट पे जो कोई गया है वापस नहीं लौटा है। अभी 17 फरवरी को रानीगंज का उर्स लगेगा, कसम खुदा कि औरतों को मजार जाना हराम है, ना मजार के लिए सफर करती ना वो मजार जा सकती है। अगर मजार जाना औरतों को जायज होता तो कब्रिस्तान में जनाजे में कान लेके जाते, लेकिन अभी रानीगंज का मेलवा आना शुरू हुआ, अभी फरवरी 4 फरवरी है ना, 17 फरवरी से लगेगा फुसका फुसकी से। दीदी जा भी नहीं तू, बाजी हम नहीं जाबो, हम नहीं 18 तारीख के जाबो। मर्द लोग कोई नहीं जाता, मर्द सब बेचारा परेशान है। अगर किसी औरत को बीमारी हो गई, बुखार हो गया, टाइफाइड मलेरिया हो गया, ठीक नहीं होता, खाली कना दर कह दे बोल पथल चपटी जा भी गाड़ी रिजर्व कर ले, खटे उठे बढ़िया तो बोल वो करवा आती है चल गेलो। कसम खुदा कभी कहिए के मल वाला तो रानीगंज जा पारवी बोल कहा एकदम ठीक है गिरी पानी हम वही तो मैं आराम से ठीक चल जाए नमाज पढ़े पार में बोल तो लागू नहीं जाने तो नवाब मंदिर नोवे से वाह रे मुसलमान बाला माँ बाने तुम क्या करोगी कल बीबी फातिमा है एक कपड़ों में 12 पेवल लगा के रखती थी लेकिन फातिमा जहरा जब सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता इतना गोहरा गोहरी कर ले बात 50 टका दे कही सुभान थोड़ी देर बोल दे भैया अरे आधा घंटा बोल दे
कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ है बचल कुछ बचल। जी हाँ, मथुरा की तारीफ बहुत करा था, हजरत मथुरा में बड़ी इनाम मिलेगा, मथुरा में बहुत ये मिलेगा, ये खेल ले दीजिए 100 टका, ये सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अरे 200 नहीं मिलता था भाई, आज तक नहीं मिला, एक जगह दे दिया था थरथर, 500 दे दिया था तो कोमा में चले गए थे। अल्लाह का करम है कि मथुरा में सब कुछ ठीक ठाक है, इतनी बड़ी मस्जिद बना के इमाम, अरे माशाल्लाह, क्या नाम हो गया, मोहम्मद नजरुद्दीन, मथुरा का है ना, क्या मोहब्बत है जी, अरे इनकमिंग चालू आउट गोइंग, इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आप जितनी देर सुनिएगा बस मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, गोल उठा के आ जाना। सुभान अल्लाह, क्या सुहाना जलसा हो रहा, गुलाम हुसैन फखर करो, कसम खुदा की 50,000 खर्चा करोगे इतना अच्छा जलसा नहीं होगा। 12 बजे बाद बड़े बड़े खतीब आते हैं, आजकल नहीं देखते लोगों को, शायर मुकर्रर नहीं देखते, 50,000 लेके आता है और अपने साथ मशीन ले लेके आ रहा है, 50,000 लेता है, अब मशीन ले जाता है। मुझसे मुलाकात हो गई थी, हमने कहा कि आप शायर हैं, मशीन लेके आए हैं, हम लोग मुकर्रर हैं, जनरेटर ले गए, जलसा फ्री हो, क्या लेकिन माशाल्लाह, रख दो बेटी, रख दो गोबर गोठा होता था, मियाँ कैसे हो गया, नाम बदल दीजिए, बोल बदल दिए ना, आधार कार्ड बन रहा था उस टाइम में, गोबरा मियाँ काट के बेंगा मियाँ चढ़ा दिए, मतलब गोबरे ठेके बेंगा पोत के, ऐसे ऐसे लोग नाम रखते हैं। आका फरमाते मोहम्मद के नाम के साथ तेरे बेटे का नाम होगा, कल मैदाने महशर कायम होंगे, वहां जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सवाने से पे सूरज होगा, बाद का लोग परेशान होंगे। आका फरमाते उस वक्त जिन जिन का नाम मेरे नाम मोहम्मद के नाम के साथ होगा, वो गुनहगार भी होगा, तो नाम के बुनियाद पे बख्शा जाए। इसलिए मेरी माँ बहने, तू गौसे आजम के माँ की तरह नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश करना, जब पर सोने लगो तो दहने करवट में सोना, कुरान की कुछ आयत को पढ़ के सो जाना, तेरे पेट में जो बच्चा होगा ना, कसम खुदा की जब पैदा होगा तो गुलाम हुसैन पैदा। आज की माए गलत टीवी मोबाइल देखती, तब ना बच्चा ऐसा पैदा होता। मेरी माँ बहने, छोटा बच्चा आपके गोद में रहे तो खबरदार, जब भी बच्चों को दूध पिलाना, सीने से लगाना तो माथा खुला मत रखना। शरीयत कहती जब कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगा के दूध पिलाती है तो शरीयत कहती है उस औरत के सर पे दुपट्टा ओढ़नी चादर होना चाहिए, उनके बाद बच्चे को अपने आंचल में छुपा लो, अपने घर के अंदर तू बैठ जाना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना, तब उस छोटे बच्चे को दूध पिलाना। शरीयत कहती जब कोई माँ सर पे दुपट्टा ओढ़नी चादर रख के अपने बच्चे को आंचल में छुपा के अपने घर के अंदर बैठ के अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह के जब माँ दूध पिला देती है, वो बच्चा आगे चल के बेहया बेशरम नहीं होता है। अगर बेटा गोद में होगा तो गुलाम हुसैन होगा, अगर बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। लेकिन आज की औरतें ऐसे ऐसे तरीके से खाना खिलाती है, देखिएगा आजकल की औरतें कटोरी में भात लेगी, भात कटोरी, बचवा गोद में हिला रही है, बचवा खिला रही है, बोलो देख कुकुर ले ले, कुकुर 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 ले, कुकुर ले। अब कुकुर ठूस है दिलों में, सही बता खानवा खिला, ओ दे बेटा, ओ दे भूता 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 ले, भूत 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 भूत, उसमें चुप नहीं हुआ, बिले 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 कुकुर भूत बिले, एक बात देखा है, भात किया लेकिन किधर की रह को सोच, वो गुलाम गौस बनेगा न गुलाम फ्री फायर बनेगा। आजकल नहीं देखते लड़का इतना बिगड़ा है, कसम खुदा की हजरत, उनके रूप रंग देखना कोई मतलब नहीं दीन धर्म से। लेकिन याद रखो, ख्वाजा गरीब नवाज जब भारत की धरती पे आए, पूरी दुनिया ने देखा, चंद मुरीदों को ला करके डाला था अजमेर की धरती पर, लेकिन अल्लाह व रसूल का करम हुआ, पूरे भारत में इस्लाम छा गए। आप लोग थके नहीं, नहीं थके हैं,
थोड़ी देर और बोल दो, कहिए सुभान अल्लाह, क्या जलसा है मां गुलाम हुसैन साहब। सावन बेटा, बेटा सावन, क्या जलसा, कसम खुदा की मथुरा वालों फख्र करो, आपका इमाम ऐसा मिला है। मस्जिद का काम भी हो रहा है, वजू खाना काम हो रहा है, और मैं तो चाहता हूँ कि मथुरा में जितने ऐसे मस्जिद करीब है शहर, कुछ से कुछ हो सकता है यहाँ। लेकिन खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। माँ बहने बहू बेटियों से गुजारिश है कि आप जरूरत के तहत हटिया बाजार यहाँ वहां जाए, वरना आप कभी भी इधर उधर ना। आजकल क्या औरतें चुगली बोरा ले दूरिया में बैठो, दीदी एक झोला तो ले जा, कसम खुदा तीन तीन घंटा दो चार को बूढ़ी औरतें 45-50 साल है, बहू दो तीन को पुतो है, गप करे चुगली करके उठेगी। उसके बाद जब 11-12 बज गया बोल दीदी छोटकी बता रह गेलो काल का बो। ऐसे ऐसे चुगल बाज औरत है, कयामत के दिन ऐसी औरतों का बहुत दर्दनाक हाल होगा। इसलिए आप अपने शोहर से मोहब्बत करना, और नौजवानों तो अपने माँ बाप से मोहब्बत करना, जैसे माँ बाप के कदमों में जन्नत है वैसे बीवी के लिए शोहर की रजा में रब की रजा है। बीवी मोहब्बत करने की चीज है। आजकल के प्रियंकर नौजवान, बेटी किसकी है, 2-3 लाख खर्चा करके बेटी दिया है, और माँ पीठ इधर उधर करता है। बीवी मोहब्बत करने वाली चीज है। एक बर्तन में पानी पी लेना रसूल की सुन्नत है, कहिए सुभान। एक बर्तन में हो सके तो एक दस्तरखान में बैठ के खाना खाओ, ये रसूल की सुन्नत। मोहब्बत करते कहाँ, बच्चों से मोहब्बत करो, अपने मोहल्ले के मस्जिद से इमाम करो मोहब्बत करो, अपने इमाम से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करते कहाँ हो। कभी अपनी बीवी से मोहब्बत किए हो, करो जान दे देगी, कसम खुदा की। कल दोपहर कल मगरिब के टाइम में मथुरा वालों अगल बगल वालों कल घर में आना, मगरिब के टाइम में अपने घर अगर तेरी बीवी रोटी बना रही है ना, मोहब्बत चेक करना बीवी की, कसम खुदा की। तुम बीवी को खाली कह देना रोटी बना रही वो अंदर में, तुम कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, कभी कह के तो देख। खाली कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, और जाने जिगर कह देना पराठा सतुआ सर सतुआ भर दो बढ़िया ला दुगो खा पार। मारने वाली चीज नहीं है, मोहब्बत वाली चीज है। आका फरमाते जब कोई बीवी घर में आंसू बहाए तो शोहर की कमाई में बरकतें चली जाती। इसलिए मेरी माँ बहने, जब शोहर आपका बाहर से घर आए मजदूरी करके काम करके थके हारे घर घुसे, तू सामने चला चली जाना, अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे देना, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे के बगल में बैठ जाती है ना, उसके नामाल में फरिश्ते एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। शोहर घर एक घर घुसे तू काम छोड़ दे, चूही घर आया शोहर काम छोड़ दो, शोहर के सामने जाके पानी दे देना बैठ जाना, एक जिहाद का सवाब मिल जाएगा, एक जिहाद का सवाब मिल जाएगा। और शोहर को सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी जन्नत का नमूना दिखाएगा। लेकिन आज की बहू बेटी सलाम करेगी, जुमा पढ़ के आते हैं सलाम करती है, बाजार से आते सलाम करती है, एक झोला लेके आओ फिर भी सलाम नहीं करेगी। ये लोग जानती है कि साल में एक दिन सलाम ईद में करना है, HD5G सलाम। ईदगाह से आइए, ईद के दिन बीवी सब एकदम तैयार है, लाग तो चौकीदार। ईदगाह से आइए बोलते रोपा आओ बोलो यार आलो ऐ सलाम करो, ऐ तेरे बाप सलाम करो बेटा, आज बाग लाग लो एक साल के बाद। एकदम बीवी द्वार में खड़ी है, शोहर चुदा ईदगाह से उधर से आया, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती है, पहले कपड़ा देखेगी ईद में, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटी। लेकिन नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12 पेवन लगाती थी, लेकिन जब तक अली घर नहीं आते फातिमा खाना नहीं खाती थी।
ईशा के नमाज पढ़ के बीवी फातिमा उसी मुसल्ली में बैठ जाती, कुरान खोल के पढ़ती, शोहर आया नहीं कुरान पढ़ेंगे, आया नहीं कुरान पढ़ेंगे, पढ़ते 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 जब नींद आने लगती दोबारा फातिमा जरा वजू करके कुरान की तलावत करने लगती ताकि मेरा शोहर बाहर से घर भी आ जाए साथ में तलावत कुरान भी हो जाए। आज की बहू बेटी कुरान पढ़ेगी, कुछ महीना बीत गया कोई कुरान नहीं खोली, दो महीना तीन महीना पांच महीना शादी में सब बीवी सब कुरान लेके आती, सब बेटी सब कुरान शिव लेके आती, पढ़ती नहीं। ये गौरव से पूछे आप लोग कुरान शिव लाते हैं बहू पढ़ते कहे ना, बोलो ससिया मोर तो तखन पढ़ो, खाली ससिया तो मोर बिन करत ना पढ़ो, सब इंतजार में सब पूतो कुरान लाई है लेकिन ससिया मोर इंतजार कर तो मोर हम पढ़बो, वरना डेली सप्ताह में शोहर जुमा पढ़ना है विभिन्न ग्यारह बजते बजते नहा धो के मसाला बिछा के कुरान खोल करके कम से बोसा ले ले चुम्मा ले ले आप कुरान को चूम लो कसम खुदा की आप उसको पढ़ लो एक आयत पढ़ लोगे तो सवाब। इसलिए जब शोहर बाहर चली जाए चला जाए वो तिजारत में रहे तू इबादत में। हजरत फातिमा जहरा जब तक अली आते नहीं खाना नहीं खाते, हम लोग की बीवी करेगी 9 बजे रात आई है मोड़ से खलासी मल्ला चौक हो चाहे आपके फैक्ट्री चौक हो चाहे मधुपुर बाजार से 9 बजे रात घर आई है, बीवी खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा कैसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है कसम खुदा नहीं होगा, चेक करके देखिए 9 बजे रात आके ठोके गए सुतलेन की उठ बोले खेलने मोरल ने कहा है डायरेक्ट कहेगी खेलने तो कहाँ मोरल ने बोल बजरा मलिए बोल वह गड़ा कहेंगे। लेकिन फिर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं बोलती है, यहाँ सब दूध के दो वाले यहाँ ठीक ठाक है, ये सब बात है मथुरापुर के ऊपर कहिए सुभान अल्लाह मेरी माँ बहन है इसलिए आप है आपके चेहरे में बरकत है, अरे आपका चेहरा देख के बेटा निकल जाए, आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते उस बेटे की मुसीबत पहाड़ की तरह आए तो माँ का चेहरा देखने के सदके में मुसीबत टल जाए। इसलिए शोहर से मोहब्बत करो और शोहर जब घर आ जाए तो उनके हाथ में पानी दो तो जिहाद का सवाब, शोहर के नाम पे सौरो सजो तो ये नफल नमाज। जैसे कोई बीवी काजल लगाती आंख में गुनाह नहीं, मेरी माँ बहन है पाउडर लगाना गुनाह नहीं, बाल को सवारना गुनाह नहीं, चेहरा सजाना गुनाह नहीं, जेवर पहनना गुनाह नहीं है। अगर कोई बीवी जेवर पहने अपने चेहरे को सजाए अपने बाल को सवारे अपने चेहरे को मेकअप करे यानी उस चेहरे को श्रृंगार करे अच्छा कपड़ा पहने ये गुनाह नहीं है। आका फरमाते हैं जब कोई बीवी सजती संवरती है शोहर से मोहब्बत बढ़ती है और किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है शोहर के नाम पे श्रृंगार। जैसे मेरा शोहर आज आएंगे 2 दिन के बाद या अब सुबह निकला शाम तक घर आएंगे क्यों ना थोड़ा मुंह धो लेते हैं आंखों में कुछ लगा लेते हैं काजल अपने चेहरे को सजा लेते हैं बाल को सवार लेते हैं बढ़िया कपड़ा पहन लेते हैं तो ऐसा पहनना चेहरे को सजाना काजल लगाना पाउडर लगाना जेवर पहनना ये गुनाह नहीं है बल्कि जो बीवी शोहर के नाम पे सौरे सजे तो 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है माँ बहने वो सवाब आपको मिलेगा अगर आप अपने शोहर के नाम पे सिंगार करते। सिंगार करना भी सवाब लेकिन वही सिंगार उल्टा हेरन लवली इको टर्मरिक फेस फेयर मिला के यार लगा के काजल सुरमा लगा के गली कुचाम बैठे इधर उधर नजर लड़ाए यहाँ वहाँ देखे कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा हड्डी दिखाई देगी सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे के श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाया गया औरतों को अपने शोहर को दिखाना 2 रकअत नफल नमाज का सवाब है वही गैरों को दिखाना अजाब का सवाब। इसलिए मेरी माँ बहन है आप शोहर से मोहब्बत करें बिन बोले अपने शोहर के पांव को दबा बिन बोले जो बीवी अपने शोहर के पांव को दबाती है किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा।